हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। अब आज है सैटरडे और तारीख हो गया आज 20 तारीख, और मेरा प्लानिंग करने साथ से ही चल रहा है। 20 तारीख मुझे जाना था गया, क्योंकि मेरा 21 को नहीं 22 को एग्ज़ाम है BA Part 1 वाला। तो अभी हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ, देख सकते हैं। तो बताता हूँ क्या क्या लेके जाने वाला हूँ आज। और इस बार ये जो ब्लॉग होगा ये स्पेशल पटना गया पैसेंजर का होगा, क्योंकि 2-3 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि मेरे वीडियो पर रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ यूनिक करने का, और दिखाते हैं कि पब्लिक में ब्लॉगिंग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले तो मोबाइल से ब्लॉगिंग करेंगे नहीं, एक्शन कैमरा से करेंगे, क्योंकि अगर मोबाइल से ब्लॉगिंग करेंगे तो काफ़ी लोग मतलब जिस तरह से भी कैमरा पकड़े हुए उस तरह का रिस्पॉन्स देंगे, मतलब हमसे ज़्यादा मेरे मोबाइल को ध्यान देंगे क्या रिकॉर्ड कर रहा है। तो सबसे पहले बताते हैं क्या क्या ले जा रहे हैं। तो बता दो, ये मेरा सिर पर बैग जा रहा है, जो कि है क्या इसको ट्रैवलिंग बैग कहते हैं। तो ट्रैवलिंग बैग ही ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा लेना जरूरी नहीं था, परंतु बताऊंगा कि बैग ये क्यों लेके जा रहा हूँ, ये सस्पेंस रहेगा आप लोगों के सामने ये बैग। तो ऑलमोस्ट हम लोग जंक्शन पर आ चुके हैं, और यहाँ पे भीड़ भाई, और काम करने गए थे एक बैग ख़रीदने पर मिला नहीं, तो उसे ऑनलाइन कर दिए, शॉप से ही हो गया ऑनलाइन। वाइल्ड क्रैब का बैग था, तो लेते हैं उसके बाद टिकट, उसके बाद हम लोग चलते हैं पटना जंक्शन के अंदर। तो ऑलमोस्ट हम लोग 12:45 में आए हैं, तो 1:45 में गया के लिए गाड़ी है, तो टिकट ले लिए और अभी प्लेटफॉर्म पे ही वेट कर रहे हैं। और लगती वही ट्रेन जाएगी, वही ट्रेन नहीं जाएगी, वो तो पैसेंजर है, जो ये गया जाती है वो थोड़ा एक्सप्रेस टाइप का लगता है, तो वो ट्रेन कब आती है इसका अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ। अनाउंसमेंट होने के बाद आपको हम चलेंगे। और आज पब्लिक में काफ़ी मतलब पैसेंजर में कर रहे हैं, तो थोड़ा अलग टाइप का ब्लॉगिंग हुआ, इसलिए इस वीडियो को आप लोग रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। तो हमारी पैसेंजर ट्रेन आ चुकी है और लगी हुई यहीं पर खड़ा है, तो ऑलमोस्ट हम लोग सोचे कि नहीं दूसरा ट्रेन आएगी, पर ऑलमोस्ट पूरा भर चुका है। तो देखते हैं कहीं पे खाली होगा तो हम लोग बैठते हैं, उसके बाद अगर हम पटना गया पैसेंजर की टाइमिंग की बात करें तो बहुत सारा टाइमिंग है पैसेंजर। अभी तो एक ही पैसेंजर है जिसका टिकट 25 रुपया, अभी मैंने काउंटर से पता किया था, और जितने भी जिसमें स्पेशल एक्सप्रेस लग गया उसमें 50 रुपये आपको टिकट लगेगा। तो ऑलमोस्ट मुझे सीट मिल गया, यहाँ पर एक सीट खाली था, भैया ने कागज़ रख दिया था, तो मैंने सोचा कि सीट बुक है, इसलिए मैंने नहीं पूछा था, यहाँ पे सीट खाली था। तो गया तक जाना है तो 3 घंटे खड़े खड़े दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए बैठ के जाना पड़ेगा। तो गया से देखते हैं कितना दिन बाद पटना आते हैं, और पटना के बाद नेपाल ट्रिप होगा, तो बस आप लोग वेट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो जब हम ट्रेन बैठे थे ऑलमोस्ट पूरा बोगी खाली था, और अभी बोगी का हाल देखिए, पूरा बोगी जो है भर गया है, तो पैसेंजर का ये हालत है। अभी 1:45 हो गया, टाइम हो चुका है पैसेंजर हमारी ट्रेन खुलने की, तो ये जनरल बोगी का हाल होता है। तो जनरल में ऐसे मैं करता नहीं हूँ, और ये मेरा शायद हो सकता है लास्ट सेकंड ट्रेवल होगा ट्रेन का, उसके बाद बस ट्रेवल या हिचाइकिंग। तो नेपाल राइड में जैसे पता है कि ऑलमोस्ट मैं हिचाइकिंग और कैंपिंग करूँगा। इधर देखते हैं ट्रेन टाइमिंग है कि नहीं, खुला कि नहीं, खुल गया ऑन द टाइम, खुल गई। और देखिए ये है, पटना जंक्शन वापस आने में भाई अलग ही खुशी होती है, जब वापस आते हैं गया से पटना में, जब भी आते हैं अलग ही खुशी होती है। मौसम भी आज काफ़ी साफ है, थोड़ा ठंड है, धूप नहीं उगा है। और लोकल मार्केट अलग ही अंदाज है, जहाँ पे टेंट खड़ा कर दे वहीं पे मार्केट लग जाता है इन लोग का, जंक्शन के पास भी लगा रहता है, इधर भी लगा हुआ है। ओवर ब्रिज ये कंप्लीट नहीं हुआ, कब तक ओवर ब्रिज ये, शायद इसमें काम रोक दिया गया है टोटली, ये देखिए काम पूरा रुका हुआ है इसमें, ये ओवर ब्रिज में। Thank you.
और हम लोग फर्स्ट 6 किलोमीटर तय कर कर इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज मतलब पटना गया पैसेंजर का पहला स्टॉपेज परसा बजा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 19 स्टॉपेज है, तो 19 स्टॉपेज कवर नहीं करेंगे, नहीं तो पता है ना वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद सीधे आपको अपडेट देंगे हम जहानाबाद या तेलंगाना में। A few moments later. और हम अभी 45 किलोमीटर का दूरी तय कर लिए और आ चुके जहानाबाद। और अगर हम इस ट्रेन की टाइमिंग करें तो भाई 3 घंटा लगता है, और सभी छोटे मोटे हॉल्ट स्टेशन जितना भी है स्टॉपेज 19 स्टॉपेज 1 से 2 मिनट स्टॉपेज रहता है, कहीं कहीं पे 3 मिनट का रहता है, और अगर लेट वेट चला तो 5 मिनट ज़्यादातर। पैसेंजर ट्रेन में अभी सोए हुए थे, जस्ट देखे आपको दिख रहा भी होगा, सोए कर उठे तो थोड़ा सा क्यों हुआ ना कि सुबह में सवेरे उठ गए थे, तो सवेरे उठने से ये होता है कि दोपहर में सोना पड़ता है, नहीं तो रात में हम जल्दी सो जाएंगे, और रात में जल्दी सोने के बाद सुबह वीडियो नहीं आ पाएगा। तो दोपहर में सुबह आज कितने बजे अप्रॉक्स 7:30 में उठ गए थे, ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं अभी चाकंद। तो देखते हैं, बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं बैठे बैठे, ये हो जाता है ना पैसेंजर ट्रेन में बैठे बैठे तो बिल्कुल बोर हो जाते हैं। एटी किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और चाकंद है ये लास्ट स्टॉपेज, गया के बाद ये पहला हॉल्ट कर सकते हैं या स्टेशन कर सकते हैं, और उधर से पटना से आने के बाद ये लास्ट स्टॉपेज है, उसके बाद सीधे डायरेक्टली गया। ज़्यादातर यहाँ पे ट्रेन खाली हो जाती है, और आज का मौसम देख सकते हैं बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है भाई। आज का मौसम मतलब पटना में नहीं था उतना मौसम ठंडा, इधर तो मौसम ठंडा क्या है, जैकेट नहीं पहनता तो ये हो जाता है, ठंड थोड़ा लगती। यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम, 2 मिनट का होल्ड रहता है यहाँ पे ऑलमोस्ट, तो चलते हैं बैठते हैं, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी हमारी भी। थोड़ा देखिएगा पब्लिक का रिएक्शन किस तरह से रहता है ब्लॉगिंग करने में पब्लिक का, तो ये पैसेंजर ट्रेन में ब्लॉगिंग करने का। सही में बारिश हो रही है भाई, बारिश हो रही है, बैग भी बहुत भारी था। गया पहुंचे हम तो टाइम पे, और गाड़ी लगती भी नहीं है, लोग बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं, चलते हम लोग बाहर निकलते हैं पहले ट्रेन से। बैग तो अभी भारी बहुत ज़्यादा हो जाता है, अभी सही लग रहा है। और हम लोग आ चुके हैं गया, 3 घंटा अप्रॉक्स लगा पैसेंजर ट्रेन से, 19 वो होल्ड था, 2-3 मिनट का जगह जगह था स्टॉपेज था, 10 मिनट पहले ही आए। और एक चीज़ देखते हैं पैसेंजर में, ट्रेन रुकती भी नहीं है, लोग जो उतरे भी नहीं है और उससे पहले चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, और पैसेंजर ट्रेन में बहुत कम हम सोचते हैं सफ़र करने के लिए, ज़्यादातर एक्सप्रेस में कोशिश करते हैं। तो अभी हम जाते हैं बाहर, तो चलिए वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी भीड़ है, तो वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा आपको पसंद है ट्रेन में सफर करने में कितना अच्छा लगता है। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले स्टेट इनफोर नेक्स्ट वीडियो, एक बार आपको भीड़ दिखाते हैं।